हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं जिमीकंद की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिमीकंद तवा फ्राई। तो ये जिमीकंद दिया है मैंने, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद इसको जो है पीसीज में काट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ऐसे पीसीज में मैंने इनको काट लिया है और इसको अच्छे से धो के और हम जो है और प्रेशर कुकर में इनको दो सीटियां लगवा लेंगे। तो ये जिमीकंद को मैंने जो है प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक और साथ ही डालेंगे इसमें आधा नींबू का रस और इसको दो व्हिसल आने तक बॉईल कर लेंगे। ये देखिए, दो व्हिसल लगाने के बाद मैंने जिमीकंद को ऐसे छलनी में निकाल लिया है। तो चलिए अब इसको मसाला लगाते हैं। तो ये मसाले लिए मैंने, ये धनिया पाउडर है, थोड़ा गरम मसाला है, ये जीरा पाउडर है, लाल मिर्च है, नमक है और थोड़ा सा ये अमचूर पाउडर है और साथ ही लिया है दो तीन चम्मच बेसन। इन सबको मिक्स करके और हम जो है जिमीकंद को इसमें कोट कर देंगे। तो ये देखिए, मसाला जो है अच्छे से कोट कर दिया है इसके ऊपर। तो अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद इसको तवे पे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, 15 मिनट हो गए हैं। तो अब चलिए इनको तवे पे फ्राई करते हैं। सबसे पहले तवे पे डालेंगे ऑयल। अब ये जिमीकंद को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। आप इनको टिफिन में पैक कर सकते हैं, सूखी सब्जी बनकर तैयार होती है और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक साइड से सिक जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और अच्छे तरह से दोनों तरफ से जो है गोल्डन ब्राउन करके और इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, एक साइड से हो गया है तो मैंने साइड इनकी चेंज कर दी है। दूसरी साइड से भी अच्छे से इनको गोल्डन कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं ये। तो चलिए अब सर्व करते हैं इनको। तो ये लीजिए व्यूवर्स, जिमीकंद तवा फ्राई बनकर तैयार है। आप इसको टिफ़िन में पैक कर सकते हैं और आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ, जैसे भी आप इसको खाना चाहते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसे बनाएं तो आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाएं। जब भी आप इसको बॉईल करेंगे तो बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये जो है इसमें मसाला अच्छे से नहीं मिक्स होगा और ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आगे जो भी मेरी रेसिपीज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच।